कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और इसके अंदर कल मैंने पैटर्न पर आधारित आपको सवाल कराए। ये आपके पाठ्य पुस्तक में एक अभ्यास का नाम है पैटर्न। अब पैटर्न के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पर दो आकृतियाँ बनाई हैं पिरामिड की तरह, और इन बॉक्स को अंदर कुछ भरे हुए हैं, कुछ बॉक्स खाली है। अब इन खाली बॉक्सों में आपको अंक भरने हैं। तो देखिए, इसके कोई नियम सूत्र तो है नहीं, आपको केवल अपने दिमाग से यूज करके इनको भरना है। तो देखिए आपको क्या करना है। जैसे सबसे पहले पहली लाइन देखो, 2 3 4 5 लिखा हुआ है, फिर ऊपर वाली लाइन के अंदर 6, फिर एक खाली बॉक्स है, फिर 20 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये 4 बॉक्स खाली हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। तो पहली लाइन को ध्यान से देखिए, 2 3 4 5, ठीक है। अब इस 5, इन 4 अंकों के द्वारा ही अगली लाइन बनी हुई है, तो ये 6 कैसे आया और ये 20 कैसे आया, ये आपको पता करना है। तो देखिए, 2 के अंदर हम 3 जोड़ें तो 5 होता है, 2 में से 3 घटता नहीं है, 2 का भाग भी नहीं लगता है। अब बचा क्या, गुणा। तो 2 का पाड़ा हम 3 बार बोलते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2 को 3 से गुणा करते हैं तब 6 आता है। यहाँ पे है लिखा हुआ, पहला हो गया। अब देखिए गुणा का पैटर्न चलेगा पूरा। अब यहाँ पर ये 4 है, ये 5 है, तो अगर हम 4 को 5 से गुणा करें तो क्या बनेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, आ रहा है 20। अब बचा क्या, ये तो ये यहाँ इस सेकंड नंबर वाले बॉक्स में क्या आएगा। तो देखिए, पहले बॉक्स में आया, इसके अंदर 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, हमने पहले बॉक्स को दूसरे बॉक्स से गुणा किया तब हमने इसमें इसका पहले बॉक्स में आंसर आया, फिर इसको छोड़ा हुआ है। फिर देखिए, इन 2 की गुणा की हमने, यानी तीसरे बॉक्स की और चौथे बॉक्स की, तब यहाँ पर आया 20। तो अब बच गया ये, तो गुणा हमने किसकी नहीं की, तीसरे बॉक्स की और ये दूसरे और तीसरे बॉक्स की हमने गुणा नहीं की। तो आपको क्या करना है, इन 3 को 4 से क्या करनी है, गुणा करनी है। तो करो, देखो 3 को 4 से किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, कितना आया 12। ये 12 आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपकी लाइन कंप्लीट हो गई। यानी नीचे वाली लाइन के अंदर 4 बॉक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो हमने पहले बॉक्स की दूसरी बॉक्स से गुणा की, 3 दूनी 6, फिर दूसरे की और तीसरे की तो 3 चौक 12, फिर चौथे की और तीसरे की और चौथे की तो 4 5 20। अब आपको गुणा का पैटर्न ही चलाना है। अब ऊपर देखिए, 2 बॉक्स है, पहले नीचे 4 थे, 1 कम हो गया 3, अब यहाँ फिर 1 कम हो गया, तो इसमें कितने बॉक्स है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स को दूसरे बॉक्स से गुणा करेंगे, फिर दूसरे बॉक्स को तीसरे बॉक्स से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले और दूसरे गुणा करो, तो 6 को 12 से गुणा करो, तो 12 का पाड़ा 6 बार बोल लीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 3 72, कितना आया, तो हम 72 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ दूसरे बॉक्स में हम इस दूसरे को और तीसरे बॉक्स को गुणा कर देंगे, दूसरे को तीसरे बॉक्स से गुणा, तो देखिए 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आया 240, ये हो गया। अब अंत में क्या बचा, ये तो अब 2 ही बॉक्स है हमारे पास, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, यानी 240 को 72 से, 0 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 7 को 4 से करेंगे, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 दूनी 14, 15 16, तो 17,280, ये आपका पैटर्न कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको ये पैटर्न हल करना है। अब आकृति नंबर 2,
ये भी देखो सेम टू सेम इसी प्रकार से है, यहाँ पर भी नीचे 4 3 2 1 बॉक्स बना हुआ है, नीचे के चारों बॉक्स भरे हुए हैं। तीसरी दूसरी लाइन में नीचे से केवल पहला अंतिम बॉक्स खाली है, केवल बीच का बॉक्स भरा हुआ है। तो अब आपको देखना है कि इसमें क्या होगा। एक जैसे हमने पहले को दूसरे से किया, दूसरे को तीसरे से किया, तीसरे को चौथे से किया, तो इसके अंदर सेकंड वाला बॉक्स भरा, इसका मतलब इसने कौन सा हल किया हुआ है, 2 नंबर और 3 नंबर बॉक्स। तो कैसे आया यहाँ 14 कैसे आएगा, घटाने पर तो आएगा नहीं, 6 में से 8 घटता ही नहीं है। अब 6 के अंदर 8 जोड़ के देख लो, 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहा है पूरा, यानी इसका मतलब इसके अंदर जोड़ का पैटर्न चल रहा है। किसका चल रहा है, जोड़ का, इसमें किसका था, गुणा का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे बॉक्स को जोड़ेंगे, यानी 6 और 4, तो 6 के बाद में 4 गिन लो, 7 8 9 10, तो यहाँ 10 आ गया। दूसरा तीसरा किया हुआ है, अब तीसरे और चौथे बॉक्स को जोड़ो, 8 और 10, 8 और 10 कितने होते हैं, 18, ये हमने जोड़ दिया। अब सेकंड लाइन, यहाँ 3 बॉक्स है, 1 2 3, तो सबसे पहले हम पहले बॉक्स को और दूसरे बॉक्स को जोड़ेंगे, यानी 10 और 14 को, तो 10 और 14, 4 1 1 2 कितना आया, 24, ये लिख दिया हमने 24। उसके बाद में दूसरे और तीसरे बॉक्स को जोड़ेंगे, तो 14 और 18, 8 4 12, 1 बच गया, 1 2 3 कितना आया, 32। अब अंत में बच गया 1 बॉक्स, और ऊपर इसके नीचे है 2 बॉक्स, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। तो देखिए 2 के अंदर 4 जोड़ दो, 4 और 2 कितने हो गए, 5 6, और फिर 2 के अंदर क्या जोड़ेंगे, 3, तो 3 4 5। इस प्रकार से आपको ये पैटर्न हल इस याद हल करना है। तो पैटर्न में देखो गुणा के सवाल भी हो सकते हैं, जोड़ का भी हुआ, जैसे ये आपको सबसे पहले तो पहचान करनी है कि पैटर्न जो बन रहा है अगला, ये गुणा पर है, जोड़ पर है, घटाव पर है। फिर आपको एक बार पता चल गया, फिर आप उसी हिसाब से इसको प्लस करते जाइए। तो एक बार इस वीडियो को वापस चला के देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, फिर इन सवालों को आप स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।